श्री स्वामी समर्थ, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीज़ें करने से हमारी उम्र कम हो जाती है। गरुड़ पुराण में ऐसे कामों के बारे में बताया गया है जिन्हें करने से आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है, आपकी उम्र कम हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कौन से काम करना चाहिए वरना उम्र कम होने का खतरा बढ़ सकता है। भागवत पुराण में ऐसे लिखा हुआ है कि यह कलियुग है। इस युग में कली का प्रभाव ज़्यादा होने से इस युग में बहुत सारी बीमारियां फैल जाएंगी और इंसान की उम्र सिर्फ 50 साल तक ही सीमित रह जाएगी। सुबह के समय शारीरिक संबंध बनाने से उम्र कम हो जाती है। प्रांत देर से उठने से भी उम्र कम होती है। हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह से 4 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है। सुबह की हवा शुद्ध और ज़्यादा ऑक्सीजन वाली होती है, जिसका लाभ लेने से कई बीमारियों से राहत मिल जाती है और हमारा श्वसन तंत्र स्वस्थ रहता है। अगर आप सुबह सूरज उगने के बाद उठते हैं तो आपकी आयु कम होती है और रोग प्रतिकारक क्षमता घट जाती है। रात के समय दही का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे कई प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे आपकी उम्र कम हो जाती है। पुराना सूखा मांस आपके लिए सबसे घातक है। बासी मांस खाने से कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। जब कोई पुराना मांस खाता है तो इससे बैक्टीरिया पेट में चले जाते हैं और कई प्रकार के रोग होते हैं। शमशान का धुएं से दूर रहे। जब किसी का शरीर जलाया जाता है तो उसमें से कई तरह के हानिकारक तत्व भी निकलते हैं, क्योंकि किसी भी मृत शरीर में अनेक प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस उत्पन्न होने लगते हैं। इससे कुछ तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। जब इन शवों का दाह संस्कार किया जाता है तब कुछ बैक्टीरिया वायरस तो शव के साथ भी नष्ट हो जाती है और कुछ वायुमंडल में धुएं के साथ फैल जाती है। जब कोई व्यक्ति उस धुएं के संपर्क में आता है तो यह बैक्टीरिया वायरस उसके शरीर से चिपक जाते हैं और विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। इन रोगों से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। हमने देखा कि फिलहाल हम किस प्रकार का खाना खाते हैं, किस प्रकार के भेसलयुक्त पदार्थ खाते हैं। आज 2 साल के उम्र के बच्चे को भी हार्ट अटैक आ सकता है। आजकल का वातावरण इतना अशुद्ध हो गया है कि बच्चों और बूढ़ों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। आज हर व्यक्ति धन कमाने में इतना व्यस्त है कि उसे खुद के स्वास्थ्य पर ध्यान देने तक का समय नहीं है। इस प्रकार मनुष्य का आयुष्यकाल ये आगे जाकर और कम होता जाएगा। ऐसे ही हमारे चैनल पर श्री स्वामी समर्थ अनुभव और वास्तुशास्त्र टिप सुनने के लिए हमारे श्री स्वामी समर्थ अनुभव और प्रचिति के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री स्वामी समर्थ।